मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज काम तो सारा कर लिया है मैंने, अपना डेली रूटीन। पाग पौधों को पानी भी दे आई हूँ और आज मैंने नाश्ता नहीं बनाया है, तो मैं जल्दी से खाना बना के आगरा निकलूँगी, क्योंकि तो मुझे आगरा में काम है, पार्लर का सामान लेना है और मैं थोड़ा सा घूमने भी जाऊँगी, देखूँगी समय मिलेगा तो। फ्रेंड देखिए, ये हैं दो कॉफ़ी के जार, ये आए हैं अमेजोन से, मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये कॉफ़ी है नेस्कैफे गोल्ड ब्लेंड और ये है कैप कोलंबिया। कैप कोलंबिया यानी कि इसको अगर आपको पीनी है तो कैप कोलंबिया करके मंगाना होगा। ये डार्क ब्राउन, ये लाइट ब्राउन है। और ये वाली जो कॉफ़ी है ये भी नेस्कैफे गोल्ड है, लेकिन ये है आपकी इंडोनेशियन सुमात्रा। तो ये दोनों कॉफ़ी के फ्लेवर अलग अलग हैं, और एक डार्क, ये डार्क ब्राउन है, ये लाइट ब्राउन है। तो जैसे जो डार्क ब्राउन पीते हैं वो इंडोनेशियन मंगा सकते हैं, और जो लाइट ब्राउन पीते हैं वो कैप कोलंबिया मंगा सकते हैं। मेरे दोनों बच्चे अलग अलग पीते हैं, तो मैं दोनों अलग अलग फ्लेवर मंगाती हूँ, और पूरा घर ही पीता है कॉफ़ी। तो ये दोनों कॉफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो अमेजोन से मंगा सकते हैं, और कॉफ़ी के टेस्ट बहुत ही अच्छे हैं। जो कॉफ़ी के शौकीन हैं दोनों को ट्राई कीजिए। और ये है नेस्कैफे गोल्ड का कप, ये भी एक बार फ्री आया था, तो समय समय पे चीज़ें मिलती रहती हैं, आप लोग ट्राई करिए जरूर। आज हो रहा है नेल एक्सटेंशन, इसका फॉर्म है, ये हार्ड फॉर्म है और इसको बोलते हैं एक्रेलिक। इसमें लगते हैं 3 से 4 घंटे, क्योंकि फॉर्म बहुत हार्ड होती है, तो पूरा फाइल करने में बहुत समय जाता है और बहुत मेहनत लगती है जल्दी भाई। आने तो बोलती हूँ। ठीक है, और एक आ गई है बुकिंग गुड़िया की, बेटी की, गुड़िया ही अपनी बेटी की बुकिंग करने के लिए, तो बुकिंग भी करनी है उधर। तो एक काम हो रहा है पार्लर में, सीजन स्टार्ट हो गया है, कोई चूड़ी मिलाने वाला आता है, कोई आईब्रो वाला आता है, और अब ये हो गया है पूरा नेल एक्सटेंशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। इनके नेल्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, और ये जो नेल एक्सटेंशन होता है ये 20 से 25 दिन रहता है, और ये नेल पेंट भी रिमूव नहीं होती, क्योंकि ये परमानेंट नेल पेंट होती है, कुछ भी नहीं निकलता, बहुत ही सुंदर लगती है और अच्छे भी लगते हैं, और ड्यूरेबलिटी भी है। आप इन्हें चाहें तो पार्लर में आके एक्सटेंशन करा सकते हैं। एक 700 का एक्सटेंशन होता है जो टेम्परेरी होता है, एक एक्रेलिक होता है, एक जेल एक्रेलिक होता है, ऐसे 3 फॉर्म में होता है। आप आइए और पार्लर में एक्सटेंशन कराइए। हेलो फ्रेंड्स, आज की गुड मॉर्निंग हमारी हो गई है और आज हम नाश्ते बना रहे हैं समोसे। कल तो हमने नाश्ता नहीं बनाया था और कल हमने रात में वीडियो भी फिनिश नहीं की थी, तो आज भी हम वीडियो उसी में ऐड करेंगे आज की भी। तो आज नाश्ते बनाए हमने समोसे, काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे बोल रहे थे मम्मी आपने समोसे नहीं बनाए हैं, तो आज मैं बना रही हूँ समोसे। और फटाफट से समोसे बना के नीचे जाना है, क्योंकि मेरी कस्टमर आने वाली है, उसे मुझे रेडी करना है, तो मैं वो दिखाऊंगी आपको आज। आज शाम को पार्टी मेकअप भी है और ब्राइडल मेकअप भी है, तो वो भी आज काम करना है, तो घर का भी काम करना है और सैलून का भी करना है। और ये समोसे ऑयल में फ्राई हो रहे हैं, मैंने सरसों के ऑयल में बनाए हैं समोसे। सरसों के ऑयल में समोसों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने पुदीना और हरे धनिया की चटनी रेडी कर दी है, और सब लोगों ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। अब ये बन गए, मेरा काम हो गया फ्री, अब मैं बनाऊंगी कढ़ी चावल यहाँ के। फ्रेंड्स आज मैं शाम को बना रही हूँ ड्रिंक में ठंडाई, तो मैं दिखाती हूँ कि ठंडाई में मैं क्या क्या मिला रही हूँ। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हमारी मम्मी बनाती थी शादी से पहले ठंडाई, उसके बाद तो कभी ज़्यादा बनाई नहीं है मैंने। तो इसमें मैं मिला रही हूँ बादाम और ये काली मिर्च और सौंफ है, और ये है केसर का दूध, ये अभी मैंने इसमें थोड़ी सी केसर मिलाई है, फिर उसके बाद मैं ज़्यादा सा दूध मिला के रख दूँगी। मैं तो इन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ मैं। वैसे तो गुरुजी की ठंडाई आती है, वही हम लोग बनाते हैं। चलो
अभी मैं आपको बन जाएगी तो दिखाती हूँ। जा रही हूँ मैं नीचे, अभी पार्लर से आ गया है बुलावा, तो फटाफट से सेट करके आती हूँ पार्लर में सब कुछ। और अब आ गए हम पार्लर पे, फेशियल चल रहे हैं लड़कियों के, 10 तारीख की बुकिंग है। ये देखिए ये दो लड़कियाँ अभी नई सीखने के लिए आई हैं, ये आईब्रो हो रही है और ये फेशियल हो रहा है। और ये पार्लर में लग रही है मेहंदी, देखो ये तन्नु ने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। तन्नु हमारी परमानेंट है मेहंदी लगाने वाली। सारी लड़की मेहंदी लगवाती लगवाती भी परेशान हो जाती हैं। देखो कितना सुंदर मेहंदी में पैटर्न तैयार किया है। ये हो रही है हमारी ब्राइडल रेडी, इसका हम बना रहे हैं जूड़ा, रेडी होने के बाद दिखाएंगे आपको। फ्रेंड्स देखिए हम अपना मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं, ये ब्राइडल हैं तो ये बिफोर है और आफ्टर में दिखाऊंगी आपको, पूरा करने के बाद रेडी कर दूंगी जब मैं इनको। मैं कर रही हूँ अपने सलोन में काम, लड़कियाँ सारी चली गई हैं, बस एक लड़की हेल्प कर रही है मेरी, बाकी सब लोग जा चुके हैं। एक ही ब्राइडल है तो ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, मैं कर लेती हूँ। और अभी हमारी ब्राइडल तैयार हो चुकी है, देखिए पूरा मेकअप इनका हो गया है, अब ये रेडी है और इनका फोटो शूट होगा। ब्राइडल इंतजार कर रही है कोई लेने आए और हम बैठे हैं फालतू। और ब्राइडल हो गई है पूरी रेडी, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अलग कर रहे हैं अब हम बंद, चलो ऊपर चलते हैं, अब बज गए हैं, चलो इनको बड़ी हंसी आ रही है। ये देखिए ये है ठंडाई जो मैंने शाम को बनाई थी, कितनी अच्छी हो गई है अब ठंडी, एकदम ठंडी भी हो गई है और बहुत टेस्टी भी है। आप भी जरूर ट्राई करना, इसमें सौंफ, काली मिर्च, बादाम, केसर और दूध और चीनी, इतने सारे इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, आप जरूर ट्राई करें। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, किसी ज़माने में लगती थी मेहनत जब सिल से पीसना पड़ता था, अब तो मिक्सी में आप हाल रेडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी रेडी हो जाती हैं चीज़ें। और अब आ गए हम किचन में, देखते हैं किचन कितना बिखरा हुआ पड़ा है। ये देखिए ये मैगी के पाउच, ये खाए हैं बच्चों ने मैगी बना के, ये रितिका का कमाल है जो मैगी खाती है। और अब देखते हैं खाने में क्या रखा है, ये रखी है कढ़ी जो हमने दोपहर में बनाई थी, शाम को टाइम नहीं मिला है खाना बनाने का। और ये रखे हैं बॉयल आलू, और भाई और जी आ गया है ऋतिक, और ये भौंक रहा है गबरू। और मैं फटाफट से थोड़ा छत का नज़ारा करके आती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ छत पे, थोड़े से मुझे ऐसा लग रहा है पौधे सूख रहे हैं, तो मैं देखती हूँ अभी सोने से पहले इनको ज़रूर पानी दूंगी, क्योंकि ये मैंने रिसेंटली लगाए हैं, इनमें लापरवाही नहीं कर सकती हूँ मैं बिल्कुल भी। तो अब चलते हैं भाई दौड़ के दोबारा से किचन में, कोई ऐसे लगे हमको खाना बना के दे दे, ऐसा होता नहीं है, लेकिन की इतनी बदमाशी चल रही है कि ये देखो दावत भी खा के आया है और मैगी भी बना के खा रहा है, चिक्की तो बुद्धि, और जो जिम भी जा रहा है, बताओ दांत और फाड़। फ्रेंड अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मैं लेट तो हो गई हूँ, लेकिन भाई घर वालों को खाना तो खिलाऊंगी ना, तो मैं ना फटाफट से रोटी सेक रही हूँ अपने ससुर जी के लिए। और ये कढ़ी रखी है, इसको गर्म किया है मैंने, और ये मैंने गबरू के लिए पराठे सेक के रख दिए हैं। और मैं भी फटाफट से रितिका से पूछने जाऊंगी कि वो खाना खाएगी कि नहीं खाएगी, ऋतिक तो एक दावत खा के आए हैं, और बस अब खाना खा के सो जाएंगे, बस यही रूटीन लाइफ है, यही मिडिल क्लास आदमी की ज़िंदगी है। ओके अब हम आपको गुड बाय और गुड नाइट करते हैं, गुड नाइट, रोटी जल गई।